सो विद अ प्लेजेंट सरप्राइज आज हमारे चैनल पे फिर से पधारी हैं, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि हो पाएगा। हमारी वो वाली वीडियो जो बहुत ज्यादा चली है कि दोस्त की जॉब लग गई, वो सेलिब्रेशन वाला। मैं मेरे को एक दिन उसका थंबनेल खुद से आया था रिकमेंडेशन में, जो कि कितना पुराना वीडियो है। तो आज तानिया हमसे स्पेशली शेयर करने आई है कि एक साल के बाद जॉब करके कैसा लग रहा है उसे। सब्सक्राइबर्स बढ़ाना। तब हमने इससे ये पूछा था कि जॉब के जाने के पहले तेरे दिमाग में क्या क्या है, क्या करेगी। तो अब हमें बता, पहली सैलरी तूने कहाँ उड़ाई? पहली सैलरी का तो याद नहीं यार, बट मोस्टली खाया पिया था उससे। उसके बाद किसके साथ खाया पिया था? अरे घर वाले। बोरिंग, नॉट व्हाट दे वांटेड टू हियर। फ्यूचर या करंट? फिर उसके बाद अपनी जो दिवाली वाली सेल आई थी अमेज़न की, उसमें मैंने वन प्लस नॉट टू 5G खरीदा था। अच्छा खासा महंगा फोन। बस वही, उसी को कंसिडर कर लो कि अपने पैसे। आई थिंक तब अपनी बात हुई थी कुछ HDFC के क्रेडिट कार्ड को लेके या कुछ। पुणे में ही थी मैं तब तो यार। हाँ तब पुणे में ही। ट्रीट पे लेके गई थी, उसका भी व्लॉग है, उसकी फोटोज बहुत अच्छे अच्छे, उसमें वो ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, प्यारी एकदम। मेरे को याद है वो कलरफुल लाल और वो कुछ कुछ था। आई रियली लाइक दैट ड्रेस। नहीं ये भी अच्छी लग रही है, बट तारीफ हो रही है इतनी, वरना वरना ऐसे जल्दी भी चले। क्या कर रही है तानिया, कितनी खराब दिख रही है, जा बाल सुधार के। ये सब चलता। एनीवेज तानिया, अब हमें बता तू अपने बैंगलोर के एक्सपीरियंस के बारे में। यार बैंगलोर का एक्सपीरियंस देखो, मेजरली तो मेरा 5 दिन काम 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 में ही जाता है। उसके बाद वीकेंड्स को आज सच कुछ खास नहीं। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरी एक स्कूल फ्रेंड है PICT की, उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ हम लोग थोड़ा हैंग आउट करते हैं। तो कभी कभी चले जाते हैं दूर थोड़ा खाने पीने, नहीं तो ऐसे दिक्षित पब्स में। तू डांस करती है? मैं डांस करती हूँ, थोड़ा बहुत खाना खा लेती हूँ, बट आज तू और रुकी तो अपन आज डांस करने चलते हैं। और तू एक दिन के लिए क्यों रुका? आज तो फ्राइडे है, तू सैटरडे संडे का क्यों नहीं कराया तूने? क्योंकि होटल स्टे वगैरह कर देंगे अभी तो मेरे घर पे रह लेती ना। आज फ्राइडे है और ये माता रानी आज जा रही है शाम को। फ्राइडे नाइट को कौन जाता है वापस? रुक जाती और तो अभी भी फ्लाइट कैंसिल कर सकती है? नहीं अब तो शायद नहीं कर सकती ना, अभी तो लास्ट मिनट हो जाएगा। और उन्होंने मैंने एक्चुअली जाके बुक नहीं किया। अरे तुझे संडे का कराना था ना, फिर कॉल तो कर लेती एक बार करने के पहले। देखिए वीकेंड का भी यार, अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों को झटका मत दो कि आप तू किधर है, पुणे में है क्या, मैं आ जाती हूँ। ऐसे झटका मत दो, थोड़ा पहले से बताओ, प्लानिंग करो। श्रेयस को तो और ज्यादा झटका। तू दुर्गा आजा, तू सामने आ, 5 मिनट में दुर्गा आजा, फट से मैं दुर्गा में खड़ी हूँ। और वो भी मुझे पहले लगा कि कोई और तनु है, 4-5 तनु अलग अलग सेम है। कॉल नहीं आता ना कभी। हाँ ऐसे रैंडमली काम ही काम करती रहती है। एनीवेज हाँ, तूने संडे क्यों नहीं कराई? यार लास्ट मिनट था, फिर वो बोल रहे थे कि सब लोग उसी दिन निकलने वाले हैं जो पैनल्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा उन्हीं के साथ जाओ। मैंने ऐसे सोचा नहीं, उनसे पूछो एक्सप्लिसिटली कि यार मेरे को बाद में जाने का है, चलेगा क्या। एंड मैं फर्स्ट टाइम आ रही थी यार ऐसे। सैटरडे ऑफ रहता है ना तेरा? हाँ बट मुझको ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल तो शायद इंटरव्यू लेने नहीं आएगी तुम्हारे कॉलेज में। ये आ रहा है FII, इसमें बोला था ये जून में आने वाला, उसके बाद डिच मार दिया, आया ही नहीं। एंड अब बोल रहे कि सब लोग एक एक करके जा रहे हैं, तो सब जब एक साथ बैंगलोर आ जाएंगे तब मैं आऊंगा। मैं आऊंगा बैंगलोर, मैं तो आते रह गया देख। अरे हाँ तू रहेगी बिजी, मैं क्या करूंगा वहाँ पे वीकडेज में? पार्टी रिक्रूट करना मेरे ऑफिस के बाहर आके, जितने भी लोग आ जा इधर बाहर निकल रहे होंगे बोलेंगे क्या आप अपने जॉब से परेशान हैं, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। परेशान नहीं है तो बाकी लोग क्या परेशान होंगे, बहुत वर्कहॉलिक है ये, कॉलेज में बन गई थी एकदम वर्कहॉलिक। मतलब एग्जैक्टली सब लोग नहीं होते वर्कहॉलिक तो ठीक है। एनीवेज जो भी है, बट तुझे कैसा लग रहा है वापस से यहाँ? तेरे लिए प्लस पॉइंट क्या है, तू लड़कियों को मिल सकता है वहाँ पर। तूने कोई दोस्त बनाई मुझे मिलाने के लिए? देखिए मेरे ना एकदम ऐसे यूज़लेस दोस्त है सारे,
ना बंदे किसी बंदी से मिलाते हैं ना बंदियां किसी बंदी से मिलाती है ना। मेरे ऑफिस में दो इससे फंडे बुलवा लो। आज तक तूने मिला, आज तक तूने मुझे बोले राजेश चल तुम, मैं तुझे अपनी कॉलेज की पार्टी में लेके चलता हूँ, तुझे मेरी दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, बोला तूने मुझे? एक मिनट, ये बंदा डायरेक्ट शादी की बात करेगा? मैं सीधा शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा फर्स्ट टाइम में कि वो शादी के लायक है कि नहीं? तो सीधा ऐसे शादी का नहीं बोलना, जरा ट्रेन करना पड़ेगा पहले, फिर लेके जाएंगे ऐसे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, पहले ट्रेनिंग, सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, पहले ट्रेनिंग, चार टेक्निकल, एचआर, कल्चरल फिट, वो सब तो मैं ऑब्वियसली करूंगा, थोड़ी ना फर्स्ट मीटिंग में जाके बोल दूंगा। और मुझे कैसे कंफर्म होगा, मुझे एक दो साल तो लगेंगे ना पहचानने में, जान पहचान में। एनीवेज तू बंदी दोस्त बना के रख, मैं आ रहा हूँ एक दो महीने में पक्का। वहां पर बंदी दोस्त की भी जरूरत नहीं है लोगों के लिए, देख वीकेंड तू चलेगी मेरे साथ? चल लूंगी, और कौन चलेगा? मेरी विंगमैन बनेगी तू? विंग वुमन बनूंगी। हाँ हाँ वही, जेंडर न्यूट्रल हो गया आजकल ये सब शब्द। जब तानिया मेरी विंग वुमन बनेगी, ऑब्वियसली वो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, बट स्टिल इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। मैं आ रहा हूँ अगले महीने, चल पक्का पक्का ये वीडियो तू छुट्टी ले, तू छुट्टी ले, लेकिन लूंगी लूंगी तो आ, मैं आता हूँ, तू छुट्टी ले। पेचर ने कॉल किया, वो इनवॉइस लेके। एनीवेज गाइस, सो दिस वाज तानिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम पुणे, एंड पुरानी बताई नहीं मेरी घर, फिर मिलते हैं एक महीने बाद। अरे तू भी आ जा यार, ये तो रोज का है, इग्नोर।